नमस्कार, मेरा नाम वंदना अग्रवाल है। मैं भारती ग्रुप ऑफ कॉलेज दुर्ग से हूँ। आज का मेरा टॉपिक है सेलेक्ट क्वेरीज इन ओरेकल। ओरेकल में हम डिफरेंट टाइप की सेलेक्ट क्वेरीज को यूज़ कर सकते हैं। जनरली सेलेक्ट क्वेरी को डिफरेंट ऑपरेटर लाइक पैटर्न, ग्रुप बाय, शॉर्टिंग, जॉइनिंग सबके साथ यूज़ किया जाता है। जनरली किसी भी डेटाबेस को रिट्रीव करने के लिए हम सेलेक्ट क्वेरीज ही यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने एक छोटा सा डेटाबेस बनाया है, क्रिएट टेबल ट्राई, जिसका फर्स्ट कॉलम है आईडी, डेटा टाइप है नंबर एंड विड्थ है उसका 5। दूसरा कॉलम मैं ले रही हूँ नेम से, जिसका डेटा टाइप है वेयर केयर और उसका विड्थ मैंने लिया है यहाँ पर 20। इसमें मैंने 5 रिकॉर्ड्स को इंसर्ट किया है। 5 रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करने पर मैंने यहाँ पर जो डेटा लिया है, 1 अमित, 2 राजा, 3 टीना, 4 रेणुका, 5 अनीता कुमारी। यहाँ पर मैं इस छोटे से डेटाबेस के ऊपर आपको डिफरेंट टाइप की सेलेक्ट क्वेरीज को दिखा रही हूँ। हम सेलेक्ट क्वेरीज को सबसे पहले स्टार कंसेप्ट में यूज़ कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर क्वेरी लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्राई। जब मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करती हूँ तो जो मुझे डेटाबेस दिखाई दे रहा है उसमें देखिए, जो 5 रोज़ हमने इंसर्ट की थी वह पांचों की पांचों रो हमको यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं। अब हम सेलेक्ट क्वेरी को किसी भी फिल्ट्रेशन ऑप्शन पर लेकर जाते हैं। फिल्ट्रेशन दो प्रकार से होता है, एक कॉलम लेवल का फिल्ट्रेशन होता है और एक आपका रो लेवल का फिल्ट्रेशन होता है। यहाँ पर देखिए, मैंने एक क्वेरी लिखी है सेलेक्ट नेम फ्रॉम ट्राई। यहाँ पर मैंने जो आपके ट्राई नाम का डेटाबेस बना हुआ था उसमें 2 कॉलम थे, आईडी एंड नेम। इसमें से मैंने एक ही कॉलम को यहाँ पर चूज़ किया है, तो यहाँ पर 2 कॉलम में से किसी एक कॉलम को हम यहाँ पर फिल्टर कर दिखा रहे हैं। इसे हम कॉलम लेवल का फिल्ट्रेशन बोलते हैं। देन यदि हमको स्पेसिफिक रो फाइंड आउट करनी है, मीन्स हम चाहते हैं कि हमारे डेटाबेस में से हमको कोई एक स्पेसिफिक रो या सेट ऑफ स्पेसिफिक रो दिखाई दे, तो उसके लिए फिर हम यहाँ पर वेयर क्लॉज को यूज़ करते हैं। वेयर क्लॉज जो है वो किसी भी कंडीशन को स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। कंडीशन मीन्स ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स का कॉम्बिनेशन होगा। यहाँ पर मैंने अरिथमेटिक ऑपरेटर इक्वल को यूज़ किया है। आप चाहें तो डिफरेंट टाइप के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, या लेस देन ग्रेटर देन रिलेशनल ऑपरेटर्स भी यहाँ पर यूज़ किए जा सकते हैं। इस क्वेरी को जब मैं एग्जीक्यूट करती हूँ तो देखिए, आपको जो आउटपुट दिखाई दे रहा है उसमें केवल एक ही रो दिखाई दे रही है, जिसका आईडी है 1 और नेम है अमित। मतलब आपके डेटाबेस से यहाँ पर रो लेवल का फिल्ट्रेशन हो रहा है, केवल उन्हीं रो को यहाँ पर स्पेसिफाई किया जा रहा है जो कि वेयर क्लॉज के द्वारा यहाँ पर फेच होकर डिस्प्ले हो रही हैं। दैट मीन्स यदि हमने आईडी इक्वल्स टू 1 लिया था तो हमको एक ही रो दिखाई दे रही है, लेकिन सपोज हमारे डेटाबेस ट्राई पर आईडी नंबर 1 को सेटिस्फाइड करने वाली एक से ज़्यादा रो होती तो हमको आउटपुट में एक से ज़्यादा रो भी दिखाई दे सकती थी। दैट मीन्स वेयर क्लॉज के द्वारा केवल कंडीशन स्पेसिफाई होती है, और यदि वो कंडीशन हमारे एक से ज़्यादा रो को सेटिस्फाइड करती है तो वह भी यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। इसको हम आपके रो लेवल का फिल्ट्रेशन बोलते हैं। अब हम कॉम्बिनेशन ले रहे हैं जिसमें हमने रो लेवल और आपके कॉलम लेवल दोनों को ही फिल्टर किया है। दैट मीन्स यहाँ पर मैं अब आपके कॉलम को भी फिल्ट्रेशन कर रही हूँ और रो का भी फिल्ट्रेशन कर रही हूँ। मीन्स यहाँ पर मैं किसी डेटाबेस से किसी एक कॉलम को दिखाना चाह रही हूँ और उससे रिलेटेड स्पेसिफिक रो को दिखाना चाह रही हूँ। तो यहाँ पर हमने ट्राई डेटाबेस से केवल आपके एक कॉलम नेम को स्पेसिफाई किया है और उस रो को स्पेसिफाई किया है जिसका आईडी 1 है। दैट मीन्स यहाँ पर हमारा टोटल फिल्ट्रेशन हो रहा है। मीन्स हम फिल्ट्रेशन करते समय या तो कॉलम लेवल पे वर्क कर सकते हैं, या हम वेयर कंडीशन के द्वारा रो लेवल पे वर्क कर सकते हैं, या हम दोनों ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पर मैंने लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ किया है। लॉजिकल ऑपरेटर्स में मेनली हम एंड एन और को यूज़ करते हैं। सबसे पहले देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्राई वेयर आई डी इज इक्वल्स टू वन एंड नेम इज इक्वल्स टू अमित। इस रो को जब मैं यहाँ से वर्क करती हूँ तो देखिए मेरे को यहाँ पर जो आई डी एंड नेम दिखाई दे रहा है वह अमित के साथ दिखाई दे रहा है जिसका आईडी है 1। एक्चुअल में यहाँ पर हमारा जो डेटाबेस बना है उसमें ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं कि आईडी 1 है एंड नेम अमित है। यदि सपोज़ आईडी 1 होती, नेम कुछ और होता, या नेम कुछ और होता, नेम अमित होता और आईडी कुछ और होती, तो एंड जो है वो मल्टीप्लाई वर्क करता है, इसीलिए हमको यहाँ पर डेटा दिखाई नहीं देता। लेकिन चूँकि इस डेटाबेस में हमारी दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं, आई डी इज इक्वल्स टू 1 एंड नेम इज इक्वल्स टू अमित, इसलिए हमको यहाँ पर यह आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है। इसी आउटपुट को यदि हम आपके एंड की जगह और लॉजिकल ऑपरेटर पर वर्क करवाते हैं तब देखिए आपको जो आउटपुट है यहाँ पर आपको आउटपुट में कोई भी डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जो डेटाबेस है उसमें आईडी और नेम दोनों ही यहाँ पर उपस्थित है, 1 एंड अमित, और जो है यहाँ पर वो प्लस साइन में वर्क करता है। यदि एक्चुअल में हमारे पास आईडी 1 होता, नाम कुछ और होता, या हमारे पास नेम अमित होता और आईडी कुछ और होता, तो हमको दोनों रोज यहाँ पर डिस्प्ले हो जाती, क्योंकि और जो है वो आपके प्लस साइन पर वर्क करता है। इस तरीके से हम अपने लॉजिकल ऑपरेटर एंड एंड और को यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने जो क्वेरी लिखी है सेलेक्ट नेम फ्रॉम ट्राई ऑर्डर बाय नेम, यहाँ पर मैं नेम कॉलम के द्वारा शॉर्टिंग कर रही हूँ। शॉर्टिंग मतलब मैं अपने कमांड को यहाँ पर अरेंज कर रही हूँ, या मैं अपने कॉलम को यहाँ पर अरेंज कर रही हूँ एक कमांड के द्वारा। यदि हम शॉर्टिंग करना चाहते हैं तो हम ऑर्डर बाय क्लॉज को यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए आपका डेटा है अमित, अनीता कुमारी, राजा, रेणुका एंड टीना। जबकि जब हमने इसको जब फीड किया था तो हमारा यहाँ पर सीक्वेंस कुछ और था, हमने अमित, राजा, टीना, रेणुका एंड अनीता कुमारी को फीड किया था। लेकिन यदि हम इसको शॉर्ट करते हैं तो हमारा डेटा यहाँ अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो गया है। हम यहाँ पर किसी भी कॉलम के द्वारा या कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स के द्वारा ऑर्डर बाय कर सकते हैं। ऑर्डर बाय करने के लिए हमको केवल ऑर्डर बाय क्लॉज को यूज़ करना पड़ता है। लेकिन यदि इसी कमांड में मैं कॉलम नेम के बाद में DESC डिसेंडिंग ऑर्डर यूज़ करना चाहती हूँ तो मुझे ये छोटा सा वर्ड लिखना पड़ता है। इसको मैं जब करती हूँ तो देखिए मेरा जो आउटपुट है वो जस्ट अपोजिट हो चुका है। यहाँ टीना, रेणुका, राजा, अनीता कुमारी एंड अमित आ रहा है। मींस हमारा जो डेटा है वह डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले हो रहा है। अब देखिए यदि इस क्वेरी के बाद मैंने लिया है सेलेक्ट नेम फ्रॉम ट्राई ग्रुप बाय नेम, एक्चुअल ग्रुप बाय जो क्लॉज है वह हमारे किसी भी कॉलम में उपस्थित जितने भी डेटा होते हैं उनके ग्रुप्स को क्रिएट करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो अमित, दो रेणुका होते तो उनके ग्रुप के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डेटा दिखाई देता। लेकिन फिलहाल मेरे डेटाबेस में जो डेटा है वह सिंगुलर डेटा है, इसीलिए मुझे यहाँ पर हर रो इंडिविजुअली डिफाइन की जा रही है, जिसका मैंने केवल नेम डिस्प्ले कराया। ग्रुप बाय एक्चुअली सेट ऑफ डेटा वैल्यूज़ पर वर्क करता है। फिलहाल हमारे डेटाबेस में सेट ऑफ वैल्यूज़ नहीं है, इसलिए हमको इंडिविजुअल रो जो है वह यहाँ पर दिखाई दे रही है। ग्रुप बाय के साथ हमको यदि कंडीशन स्पेसिफाई करना होता है तो हम हैविंग क्लॉज को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेरी देखिए इन एंड नॉट इन ऑपरेटर के साथ मैंने यहाँ पर वर्क करवाया है। सेलेक्ट स्टार, हम जो क्वेरी ले रहे हैं वो हमारी इन ऑपरेटर पर है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्राई वेयर आई डी इन 2 and 4, यदि मैं ये लिखती हूँ तब इसका आउटपुट देखिए आपको केवल वही रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहे हैं जिनका आई डी 2 and 4 है। मीन्स जो इन ऑपरेटर है वह आपके सेट ऑफ वैल्यूज़ पर वर्क करता है, लेकिन उन्हीं वैल्यूज़ को दिखाता है जिन वैल्यूज़ को आपने यहाँ यूज़ किया है। जैसे मैंने 2 and 4 को यूज़ किया है। यदि हम नॉट इन लेते हैं तो वो जस्ट इसके वाइस वर्सा यूज़ होता है। मीन्स आप इसको रन करके देखिए,
आपके आउटपुट में अब 2 एंड 4 नहीं आ रहा है, वह रिकॉर्ड्स आ रहे हैं जो कि 2 एंड 4 को बिलोंग नहीं करते हैं। दैट मीन्स इसमें 1, 3 एंड 5 आपको शो हो रहा है। तो इन एंड नॉट इन जो है वो एक दूसरे के अपोजिटली बिहेव करते हैं। ये दोनों ही ऑपरेटर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हमको जब कोई डेटा डिस्प्ले करवाना है तो हम उसको इन में ले सकते हैं, और अपोजिट करना है तो हम उसको नॉट इन में डिस्प्ले करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो मैंने वहाँ पर सेलेक्ट स्टेटमेंट लिया है, ये मैंने फंक्शन के लिए यूज़ किया है। सेलेक्ट स्टेटमेंट को हम अपने फंक्शंस पर भी यूज़ कर सकते हैं। फंक्शंस हमारे पास कई कैटेगरी के होते हैं, कैरेक्टर फंक्शन, न्यूमेरिक फंक्शन, डेट फंक्शन या आपके एग्रीगेट फंक्शन। यहाँ पर जो मैंने क्वेरी ली है, सेलेक्ट सम ऑफ आईडी फ्रॉम ट्राई, मतलब मैं यहाँ पर एक ऐसी क्वेरी ले रही हूँ जो कि मेरे के आईडी के डेटा को सम करके दिखाएगी। एक्चुअल में ये एक एग्रीगेट फंक्शन है जो कि सम को डिस्प्ले कर रहा है। यहाँ पर देखिए, आपका जितना भी आईडी था वो पूरा यहाँ पर सम होकर आपको डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरीके से हम एक और एग्रीगेट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, सेलेक्ट काउंट नेम फ्रॉम ट्राई। ये जो सेलेक्ट क्वेरी है यह आपके नेम कॉलम के टोटल नंबर ऑफ रोज को काउंट करके बताएगा। तो यहाँ पर देखिए, आपको जो है वो 5 दिखा रहा है। दैट मीन्स आपके टेबल ट्राई में जो कॉलम है नेम, उस पर 5 रिकॉर्ड जो है वो डिस्प्ले हो रहे हैं। यहाँ पर यदि हम चाहें तो जस्ट देखिए, यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा है। हम यहाँ पर यदि इस वर्ड को लिखते हैं, सेलेक्ट काउंट नेम, फिर मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है ABC, इसको यदि मैं करती हूँ तो देखिए आपके कॉलम का नाम जो है वो चेंज हो जाता है। मीन्स सेलेक्ट क्वेरी के द्वारा हम जब भी कोई कॉलम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो हम उस कॉलम के बाद यदि कोई एक स्पेसिफिक नेम दे देते हैं तो वह उस कॉलम के नेम को रिप्लेस कर देता है। ये सेलेक्ट क्वेरी है, टेम्परेरी रिप्लेस करेगा, एक्चुअली आपके डेटाबेस में जो कॉलम का नाम था वही नाम रहेगा। तो यहाँ पर जो मैंने काउंट नेम जो यूज़ किया था, या काउंट नेम मेरा एज अ कॉलम नेम यूज़ हो रहा था, उसकी जगह पर अभी मैंने एक स्पेसिफिक नेम ABC दिया है। ABC की जगह आप कोई भी कॉलम नेम यहाँ पर ले सकते हैं। देन उसके बाद में मैंने एक और फंक्शन यूज़ किया है, दैट इज़ डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट के लिए मैं क्या कर रही हूँ, सेलेक्ट क्वेरी के साथ ही मैंने लिखा है सेलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम फ्रॉम ट्राई। ये जो एक फंक्शन है यह आपके कॉलम में से डुप्लीकेट रोज को हटा देता है। मतलब हम सेलेक्ट क्वेरी के द्वारा यहाँ पर हम जितने भी रोज उपलब्ध हैं उनको यदि हम डुप्लीकेट फॉर्म में है तो सिंगुलर फॉर्म में शो करने के लिए सेलेक्ट को डिस्टिंक्ट फंक्शन के साथ यूज़ करते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि यह हमारे डिफरेंट रोज को केवल सिंगुलर फॉर्म में दिखाता है। देन उसके बाद में एक और हमने यहाँ पर सेलेक्ट फंक्शन यूज़ किया है। सेलेक्ट क्वेरी को हमने यहाँ पर लिया है आपके लाइक पैटर्न के साथ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्राई वेयर नेम लाइक, यहाँ पर हम एम्परसेंट साइन ले रहे हैं, यहाँ पर हम परसेंट साइन ले रहे हैं ए के साथ में। यहाँ पर क्या होगा कि जो भी लेटर हम लिखेंगे, जो भी वर्ड हम लिखेंगे, वह हमारे लाइक पैटर्न के अनुसार हमारे डेटाबेस में जहाँ जहाँ उपलब्ध होगा वह हमें दिखाई देगा। देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने लिया है ए, तो जिस भी डेटा पर मेरा ए है वह मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैंने जो अपना पैटर्न यूज़ किया है उसके अनुसार देखिए आपका ए जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन हम लाइक पैटर्न को कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जिनको हम लाइक पैटर्न क्वेरीज में देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि सेलेक्ट क्वेरी के द्वारा हम अपने लाइक पैटर्न को कैसे यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद देखिए, सेलेक्ट क्वेरी को मैंने यूज़ किया है आपके यूनियन ऑपरेशन के साथ में। यूनियन मीन्स रिलेशनल अलजेब्रिक कंसेप्ट जब हम यूज़ करना चाहते हैं तो हम कई प्रकार के फंक्शंस उसमें यूज़ करते हैं, जिसमें 8 टोटल ऑपरेशंस में से 4 हमारे सेट ऑपरेटर्स कहलाते हैं, यूनियन, यूनियन ऑल, इंटरसेक्ट एंड माइनस। इनको भी हम यूज़ करने के लिए अपनी सेलेक्ट क्वेरी को ही यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है सेलेक्ट आईडी फ्रॉम स्टूडेंट यूनियन सेलेक्ट आईडी फ्रॉम न्यू स्टूडेंट। मींस मेरे पास स्टूडेंट एंड न्यू स्टूडेंट नाम का दो डेटा बना हुआ है, दोनों के ऊपर आईडी नाम के कॉलम है जिसको मैं यूनियन करवा रही हूँ। इस क्वेरी को जब मैं रन करती हूँ तो मेरा डेटा यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पर हमने स्टूडेंट एंड न्यू स्टूडेंट डेटाबेस से जो दो कॉलम थे आईडी, उनके आधार पर डेटा को डिस्प्ले करवाया है। मीन्स सेलेक्ट क्वेरी के द्वारा हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को यहाँ पर
यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेरी मैं ले रही हूँ सेलेक्ट नेम, यहाँ पर देखिए मैंने लिया है सेलेक्ट नेम कॉमा कोर्स फ्रॉम स्टूडेंट कॉमा न्यू स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट आई डी इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट आई डी। दरअसल ये सेलेक्ट क्वेरी जो है ये हमारे दो टेबल्स को ज्वाइन करने के लिए यूज़ हो रही है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि आपकी जो दो टेबल हैं स्टूडेंट एंड स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट, उन दोनों टेबल्स को आई डी कॉलम के आधार पर ज्वाइन करके दिखा रहे हैं। यहाँ पर स्टूडेंट टेबल से हम नेम कॉलम को ले रहे हैं, न्यू स्टूडेंट टेबल से हम कोर्स कॉलम को ले रहे हैं। जब हम इस क्वेरी को रन करेंगे तो स्टूडेंट एंड न्यू स्टूडेंट दोनों टेबल जो हैं वह ज्वाइन होकर हमको डेटा दिखाएंगे जो आईडी के बेस पर ज्वाइन होंगे और उसमें से हमको नेम एंड कोर्स जो है वो डिस्प्ले होगा। ज्वाइन ऑपरेटर जो है ज्वाइन जो कंसेप्ट है उसको भी हम अलग तरीके से डील करते हैं क्योंकि ज्वाइन बहुत प्रकार से होता है। डिफरेंट क्वेरीज के हिसाब से डिफरेंट डेटा बेस पर हम उनको यूज़ करते हैं जिसमें नेचुरल इक्वी आउटर कई प्रकार के ज्वाइन होते हैं। यहाँ मैंने आपको बताया है कि सेलेक्ट क्वेरी के द्वारा आप अपने किसी भी दो टेबल को कैसे जोड़ सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए दो या दो से अधिक टेबल्स को भी यूज़ किया जा सकता है। सेलेक्ट क्वेरी में ही हम यहाँ पर टेबल के एलियास कंसेप्ट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक स्टूडेंट है, यहाँ पर मैं एस वर्ड लिख रही हूँ एंड न्यू स्टूडेंट टेबल के लिए मैंने यहाँ पर एन वर्ड यूज़ किया है। तो जब भी मैं स्टूडेंट टेबल का नाम लूँगी वहाँ पर स्टूडेंट पूरा लिखने की बजाय मैं एस को यूज़ कर सकती हूँ और न्यू स्टूडेंट टेबल के लिए मैं केवल एन को यूज़ कर सकती हूँ। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सेलेक्ट क्वेरी में आपके एलियास कंसेप्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। एलियास कंसेप्ट मीन्स किसी भी टेबल नेम को हम उसके शॉर्ट नेम से चेंज करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको आउटपुट में कोई भी चेंजेस दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर केवल सेलेक्ट क्वेरी में एलियास कंसेप्ट लिया है। यहाँ पर जो क्वेरी रन हो रही थी वो स्टूडेंट एंड न्यू स्टूडेंट टेबल से एज इट इज़ रन हो रही थी जैसे कि हमने लास्ट क्वेरी को रन किया था। तो ये हमारी सेलेक्ट क्वेरीज़ हैं। हमने यहाँ पर कुछ सेलेक्ट क्वेरीज़ को देखा जिनको हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। एक्चुअल में सेलेक्ट कमांड जो है वो रिट्रीवल के लिए यूज़ होता है जिसको हम डेटाबेस में डिफरेंट तरीके से डेटा को रिट्रीव करने के लिए यूज़ करते हैं। थैंक यू।